हेलो दोस्तों, मैं शुभम खेवाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो दोस्तों, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आने वाले हैं। अब वो सब हमें नॉलेज होनी चाहिए और फिर हमें टॉपिक वाइज नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से मुझे पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, कौन से का वेटेज ज़्यादा है, कौन से का नहीं है। अब दोस्तों, वो हमें सबसे पहले एक मार्केट से प्रीवियस ईयर लेके आने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आने के बाद में उसमें से हमें देखना है कि कितने क्वेश्चन का क्या लेवल था, मैथ का क्या लेवल रहा पिछले पेपर में, और रीजनिंग का क्या रहा, जीके का क्या रहा, करंट अफेयर का क्या रहा, दोस्तों इंग्लिश का क्या रहा, और वो फिर हमें देखना है कि उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी तैयारी करनी है कि अब की बार कैसा पेपर आने वाला है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन किस लेवल के आए थे, वो सब दोस्तों हमें उसमें देखना है। और उसके बाद में फिर अपने सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, मैथ के कंसेप्ट हो या रीजनिंग के कंसेप्ट हो, जीके भी आपको इतनी अच्छी मतलब गहराई में पढ़नी है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके हाथ से ना जाए, क्योंकि अब तो आपको पता है दोस्तों कितना आजकल पेपर हार्ड होता जा रहा है और सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सब लगे पड़े हैं, तो आप भी अपनी तैयारी में अच्छे से अच्छे जुड़ जाओ। और दोस्तों, फिर अपने कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में तो दोस्तों फिर आपको एक प्रीवियस वो मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट घर पे हर संडे दो, फिर पेपर के टाइम पे नज़दीक आते, जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है तो फिर दो एक एक दो दो दिन में देने लगो, फिर डेली देने लगो आप, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपका लेवल क्या है, आप कितना ग्रोथ कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए। तो उसमें आपको पता चलता है कि दोस्तों कितनी एक्यूरेसी के साथ में आप कितनी जल्दी क्वेश्चन कितने आपसे छूट पा रहे हैं या कितने आप उस टाइम को मैनेज कर पा रहे हो नहीं, क्योंकि आपके पेपर ज्यादातर अब सारे के सारे ऑनलाइन ही हो चुके हैं, तो ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आप अपना मैथ भी अच्छे से क्लियर करो, रीजनिंग भी अच्छे से क्लियर करो, जीके भी जो भी हिंदी है या इंग्लिश है जो भी आपके सब्जेक्ट में है वो सब अच्छे से क्लियर करो, और सिलेबस दोस्तों अपना तैयार रखो, क्योंकि आजकल ज्यादातर एग्जाम के लिए कॉमन सा ही कुछ ना कुछ तो कॉमन रहता ही है, मैथ हो रीजनिंग हो, तो ये तो ज्यादातर कॉमन ही रहती है। तो दोस्तों अपने इस अकॉर्डिंग पढ़ो कि भाई एक साथ में कहीं कहीं कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपनी तैयारी को मैनेज करो, आप हमारे यूट्यूब चैनल से मैथ भी पढ़ सकते हो, रीजनिंग भी कर सकते हो, और जीके भी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, RS अग्रवाल के मैथ की हम तैयारी यूट्यूब चैनल पर भी करा रहे हैं, और रीजनिंग के भी क्लास दे रहे हैं, हिंदी के भी क्लास दे रहे हैं, करंट अफेयर की भी क्लास है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, कोई भी वीडियो के संबंधित या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या कुछ भी क्वेश्चन हो दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी हमारी कि भाई आज आपको कैसे कोई भी एग्जाम क्लियर करना है। तो दोस्तों आपको कम से कम एक दिन में 6-7 घंटे तो रोज पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें सेक्शन में कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।